हेलो गाइस, मैं हूं सवाल में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लुनेटिक एप्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है, क्या इसके यूज है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताता हूं मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। फ्लिपकार्ट पे लेटर एक पेमेंट ऑप्शन है जो कि फ्लिपकार्ट ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं पूरे महीने और इसका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट महीने के 10 तारीख तक दे सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह पिछले साल IRCTC ने लॉन्च किया था अपना ई पे लेटर का ऑप्शन, जिसके अंदर क्या था कि अगर आपको अर्जेंट में कहीं जाना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप IRCTC से अभी टिकट बना करके जा सकते हैं और उसका जो पेमेंट है वो आप दे सकते हैं 15 दिन के बाद तक। इसका नाम था ई पे लेटर। ठीक उसी तरह फ्लिपकार्ट ने लॉन्च कर दिया अपना फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन। तो इसमें आप पूरे महीने 5000 तक का शॉपिंग कर सकते हैं। 5000 का यहाँ पे टॉप लिमिट है। 5000 तक का शॉपिंग आप कर सकते हैं, चाहे कितनी बार, एक बार में 5000 का शॉपिंग कर लें या फिर अलग अलग टाइम जितनी बार में, टोटल 5000 का होना चाहिए वो आप शॉपिंग कर सकते हैं पूरे महीने के अंदर। और उसका पेमेंट जो है नेक्स्ट महीने के 10 तारीख तक आपको करना है। पेमेंट आप 10 तारीख तक कर देते हैं तो आपको कोई चार्जेज नहीं लगेंगे। तो ये है पूरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट पे लेटर का। अभी इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे के बारे में, फ्लिपकार्ट पे लेटर का फायदा क्या है। दोस्तों, कई बार होता है कि ऑनलाइन में जो है प्रोडक्ट के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, तो आप खरीदना चाहते हैं लेकिन जिस टाइम पे कम दाम रहता है आप उस टाइम पे खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, मैं पिछले महीने से एक शूज खरीदना चाह रहा था और जिसका दाम नॉर्मली 1600 रुपया ऑनलाइन रहता है, ठीक है। तो मैं पिछले एक महीने से चेक कर रहा था रोज रोज, 1600 रुपये का था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि अभी मैं खरीद पाता। तो मैं सोच रहा था नेक्स्ट महीने जब मेरे पैसे आएंगे तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन जब मैं परसों रात को सोने से पहले चेक कर रहा था, एक बार फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान देख रहा था, तो उसी टाइम पे मुझे वो शूज दिखा 1200 कुछ रुपए का। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो उसी टाइम खरीद लेता तो मुझे 350 रुपए का फायदा हो जाता उस प्रोडक्ट पे। लेकिन उसी वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी वहां पे मेरे पास ऑप्शन था फ्लिपकार्ट पे लेटर का, तो उससे मैं उसी वक्त उस प्रोडक्ट को बुक कर लिया और ये प्रोडक्ट मेरे पास अभी आ चुका है और मेरे को 350 रुपए का फायदा हो गया। अब मैं नेक्स्ट महीने पे करूंगा 10 तारीख से पहले पहले तक, और लेकिन फिर भी मेरे को 350 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे हो गया है क्योंकि मैंने लो प्राइस जब चल रहा था उसी टाइम पे खरीद लिया। तो एक तो ये फायदा है कि जिस टाइम पे लो प्राइस चल रहा हो, जिस टाइम पे ऑफर चल रहा हो, आप उस टाइम पे पैसे हो ना हो तब भी आप खरीद सकते हैं और उसका जो पेमेंट है नेक्स्ट महीने कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। दूसरा फायदा ये भी है कि अगर जैसे आपका कोई फ्रेंड का बर्थडे है, आप पिछले महीने आपको याद नहीं था, आपने उसके लिए सेव नहीं किया उसके गिफ्ट वगैरह के लिए, और अभी अर्जेंट में आपको गिफ्ट देना है, 2-3 दिन बाद उसका बर्थडे है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे लेटर से सामान मंगवा सकते हैं, उसको गिफ्ट दे सकते हैं। जब आपके पास नेक्स्ट महीने की सैलरी आए तो आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का काफी ज्यादा फायदा है। अभी नुकसान क्या है, नुकसान सिंपल सा है कि अगर आप 10 तारीख से पहले पहले नहीं देते हैं तो अगर आप लेट करते हैं तो वहां पे आपको लग जाएगा कुछ फाइन। तो ये नुकसान है फ्लिपकार्ट पे लेटर का। तो वैसे देखा जाए तो नुकसान कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप टाइम पे कर देते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो अभी बात करते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज करके शॉपिंग कैसे करें। दोस्तों, सिंपल है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट जो है खरीदते हैं वैसे ही सिंपल है। सबसे पहले आपको चूज करना होता है प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जो भी आपको लेना है उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए जो सा आपको लेना है। उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो एड्रेस आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जो सा एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा।
पेमेंट के ऑप्शन में बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन ऊपर से नीचे तक आपको मिलेगा, उसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का। तो उसको आप अगर चूज करते हैं पहली बार तो वहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेज खुलेगा, वहां पे आप पढ़ सकते हैं पूरा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है फ्लिपकार्ट पे लेटर का। लेकिन मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट 5 टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन है आप महीने में कितनी बार भी शॉपिंग कर सकते हैं और उसका जो है पेमेंट आप नेक्स्ट महीने पे कर सकते हैं 10 तारीख से पहले पहले, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ एक लिमिट भी है जो कि टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका लिमिट है 5000 तक। 5000 तक आप शॉपिंग कीजिए, नेक्स्ट महीने पे कर दीजिए 10 तारीख तक। ये है पहला टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो ऑप्शन है वो सारे प्रोडक्ट्स पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ सेलर के प्रोडक्ट्स पे ये आपको ऑप्शन अवेलेबल है, सारे पे अवेलेबल नहीं है। तो ये दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप पेमेंट कर सकते हैं, जो आपने पिछले महीने शॉपिंग किया है उसका पेमेंट आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं। चौथा टर्म्स एंड कंडीशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चार्जेस कितने लगेंगे अगर आप लेट करते हैं। तो इसमें चौथे में क्या है कि अगर आप 10 तारीख के बाद पेमेंट करते हैं, मतलब आपने इस महीने शॉपिंग किया जुलाई में और अगस्त के 10 तारीख के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, 10 तारीख से पहले पहले नहीं कर पाते हैं आप किसी वजह से, तो उसके बाद अगर करते हैं तो अगर आप 2000 तक का शॉपिंग किया है, आपने अमाउंट 2000 तक का है, तो उसमें आपको 100 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। अगर 2000 से 4000 तक के बीच का है तो आपको लग जाएगा 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज अगर आप 10 तारीख के बाद जमा करते हैं। और अगर 4000 से ऊपर है, मतलब 5000 तक, 4000 से 5000 तक है, तो आपको लग जाएगा 400 रुपया फाइन अगर आप लेट पेमेंट करते हैं 10 तारीख के बाद। और पांचवा और आखिरी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट है फ्लिपकार्ट पे लेटर का, वो ये है कि अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप रिस्पेक्टिव फाइनेंसिंग पार्टनर को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो क्रेडिट एजेंसी से आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ले और फ्लिपकार्ट के साथ शेयर करें। तो ये 5 टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप शॉपिंग करते हैं और आप 10 तारीख तक पेमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। मैंने उसका फायदा उठाया, जैसे कि मुझे शूज लेना था, एक महीने से सोच रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अचानक से इसका प्राइस घट गया और मैंने इसका जो है मंगवा लिया फ्लिपकार्ट पे लेटर से। अभी नेक्स्ट महीने मेरा पैसा आएगा, 10 तारीख से पहले पहले मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।